आपके लिए मटन रान रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, आसान से इंग्रीडियंट से बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये रान ले ली है, सोचे तरीके से वॉश करके रख लिया है। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इस पर कट लगाने हैं और थोड़े डीप कट हम इस पर लगाएंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये रान जो है मेरी, ये तकरीबन जो है 1.5 से 2 किलो की है। तो आपके पास जिस तरह की रान हो आप उसके हिसाब से, लेकिन मसाला ऐसे ही लगाइएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। कम ज़्यादा नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे भी हम इस जगह पे भी कट लगा देंगे इसको, ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो है रान रोज पर मसाला लग जाए। तो अच्छा, ये देखिए हमने इसमें ये इस तरह की गहरे कट लगा दिए हैं दोनों साइडों पर, इधर भी, और यहाँ से जो है इसका जोड़ होता है, जोर से जो है इस पर हम हल्का सा जो इस तरह छुरी चला देंगे, ताकि जब हम इसको रखें, ये देखें, तो इस तरह से हम इसको समेट के पकने के लिए रख सकें। ठीक है, यहाँ पे इसके लाजमी आप जोड़ पे कट लगा दीजिएगा एक। अब हम आते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। इसके लिए मैंने 2 नींबू का जूस लिया है। सबसे पहले वो मैं इसमें शामिल करूँगी, फिर जाएगा हल्दी पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें सफ़ेद पिसी मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून और काली जो है 1 टीस्पून ली है, लाल पिसी मिर्च 1 टीस्पून, ये भी भर के जाएगी। उसके अलावा सॉल्ट जाएगा, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। तमाम मसालों को पहले हम लेमन जूस के साथ और लहसुन अदरक के साथ मिला के अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल का भी शामिल कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोश्त में हमारी ऑलरेडी चिकनाई है, वो इसी में पकेगा। ये कि इसका मसाला अच्छा सा हो जाता है ऑयल के साथ मिक्सिंग के बाद। अब हम पहले कट के अंदर ही मसाला लगाएंगे, देखें इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से इसको हमने लगा देना है तमाम कट्स के अंदर और तमाम रान पे को। ये देखिए यहाँ पे जो कट है इन पे भी अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। आप भी ग्लव्स पहन के ये काम कर लें, तो इसी तरीके से आप इस तरीके से पूरे मटन पे अपने जो है मसाला अच्छे तरीके से लगा लेंगे, और आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि आपके हाथों में मिर्चें लगें। तो ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन कर दी है। हमें इसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवर नाइट के लिए भी रख सकते हैं। आपने अगले दिन बनाना है तो आप रात में इसको मैरिनेट करके रख दें, इसका तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तमाम मसाले स्पाइसेस वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से हमारे मटन में जो है मटन लेग में वो जज्ब हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारे जो मटन लेग को मैरिनेट हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको स्टीम में गलाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ हमने इसे किस तरह से रखना है। तो ये देखिए मैंने एक ये बड़े साइज़ की देगची ले ली है, जिसमें इस तरीके से जो है ये हमारा स्टीमर की छन्नी जो ये आ जाए, इसके नीचे इस तरह स्टैंड है। मैंने इसमें इतना पानी रखा है कि स्टैंड पूरे इसमें डूबे नहीं और ये टच नहीं हो जो है, कि हमारी जो छन्नी है उस पर टच नहीं हो, बस यहाँ तक इसके पानी आना चाहिए। तकरीबन जो है हाफ जो है इसके स्टैंड, ये देखें इस पर पानी नहीं आया है। अब मैं इस पर, अच्छा इसमें हल्का सा जो है पानी गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये रान रोस्ट को रख दूंगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से रख देंगे, और बाकी की भी मैरिनेशन में जो हमारे बाउल में बच रही है इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये देखिए रान को मैंने इस पर रख दिया है और पानी गर्म होना शुरू हो गया है। जब इसमें बबल से थोड़े आने शुरू हो जाएंगे तो हम चूल्हा उस पॉइंट पे स्लो कर देंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, किसी ऐसे प्रॉपर ढक्कन से करिएगा कि कहीं से भी देखी से एयर हमारी बाहर ना निकले, और इसमें लाजमी कोई वेट भी आपने रख देना है। मैं ये जो है सिल्क का जो है बटर इसके ऊपर रख रही हूँ, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और पानी जो मैंने ये रखा है इसमें मैं राइस बनाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी रान जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाने के बाद कि किस तरह इसमें राइस बनेंगे। तो चलिए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमारी रान को जो है रोस्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जो है रान हमारी रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए आप इसका मीट भी कितने अच्छे से गल चुका है इजीली, ये देखें तमाम गोश्त टूट रहे हैं। तो अभी मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अगर आपको बताती हूँ कि हमने अब क्या करना है। तो ये देखिए रान हमारी रोस्ट हो चुकी है, मैं इसमें इसको रख के फिलहाल इसको कवर कर देती हूँ। और ये देखिए आप इसकी मटन लेग की जो है यखनी कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इस पर सर्विंग के लिए राइस किस तरह बनाने हैं यखनी से। तो ये देखिए मैंने इसके राइस बनाने के लिए एक देखिए मैं 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल का ले लिया है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा डाल रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ ज़ीरा डालूंगी इस पॉइंट पे, और कुछ भी इसमें शामिल नहीं करूँगी। बस ज़ीरा ज़रा सा हमारा कड़कड़ा जाता है, तो उस यखनी को मैं किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए ज़ीरा हमारा कड़कड़ा चुका है, अब मैं इसमें ये यखनी शामिल कर, तो इसमें बॉयल आने शुरू हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची को शामिल कर रही हूँ। अच्छा इस पॉइंट पर हम इसका नमक चेक कर लेंगे।
क्योंकि हमने इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है। मटन में जो नमक था वो इसमें गया, लेकिन उसका भी बहुत ही बेहतरीन से यकीन जाने टेस्ट आ रहा होता है। मैं इसमें चावल हमने डालने हैं, इसलिए हाफ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट और डाली हूँ, क्योंकि चावल डालने के बाद नमक कम हो जाता है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, बस हम इसमें थोड़ा सा और जो है ऑयल आने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें राइस में अपने डाल देंगे। बस अब इस पॉइंट पे मैं इसमें मैंने चावल 3 ग्लास चावल लिए हैं, ये तकरीबन 3 कप चावल है, तो ये 3 कप चावल है, बस मैं इनमें चावल अपने डाल दूंगी। और इसकी यखनी इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बस हम इसे इसमें पकने देंगे इतनी देर तक कि चावल हमारे खिल के बड़े हो जाएं, और इस पे फिर हम दम लगा देंगे। तो ये देखें चावल हमारे बिल्कुल जो है अब दम पे लगाने वाले हो गए। बस अभी इस पॉइंट पे जो है मैं चूल्हे को स्लो कर दूंगी, और यहाँ पे इस तरफ मैंने ये फूड कलर ले लिया, येलो फूड कलर, एक तरफ मैं चावलों पे डालूंगी, पूरे चावलों में मैं नहीं डालूंगी, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस मैं इनको कवर कर देती हूँ और इसको हम दम लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो चलिए अब हम ये राइस भी अपने देख लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन किस्म के कितने अच्छे खिले खिले से जो है हमारे राइस तैयार हो गए। अब मैं इसे सर्विंग किस तरह करनी है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सर्विंग से पहले मैं एक बड़े पैन में किस तरह हमारी जो है मटन लेग जो है इजीली आ जाए, मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल रखा है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये लेग पीस को हम इसमें थोड़ा सा जो है हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमने फ्राई करना है। देखिए एक तरफ से हो चुकी है, बस इसको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, ताकि ऊपर से ये जो है थोड़ी सी रान हमारी शाइनी सी लगे। मैं इसको इस तरफ से पकड़ लेती हूँ, इस तरह से हमने इसको कलर देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस ऐसे गोल्डन से इसको कलर आ जाए। ये जब देखने में इसका लुक भी बड़ा शाइनी लगता है, वैसे भी बहुत अच्छी है लग रही होती है, लेकिन हल्का सा कर लें अगर आप नहीं करें तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें। तो ये देखिए मैं अब इसकी सर्विंग कर रही हूँ। इतने अच्छे खिले खिले हमारे राइस और इतने खुशबू वाले, इतने टेस्टफुल होते हैं, यकीन जाने आप बनाएंगी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, सब आपकी लाजमी तारीफ करेंगे। जो मैंने कलर राइस जो है किए थे, ये देखें इसमें हल्का सा डालिएगा, इससे ज़्यादा कलर नहीं डालिएगा। अब एक साइड से निकाल के मैं इसको इसी तरह एक तरफ हल्का सा फैला दूंगी, पूरे बिरयानी की तरह हमने इसको नहीं करना है। तो ये देखिए अब मैं इस पर अपनी है, ये देखें कितना अच्छे से ये गोश्त गल चुका है आपके सामने है, बहुत इजीली टूट भी रहा है। अब मैं इसको इस तरह से लच्छे वाली मैंने प्याज काट के रख ली है, इसके साथ सजाएंगे। सर्विंग के वक्त ये सारी चीज़ें लाजमी आप रखिएगा, इसके साथ ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा बनता है, और ये लवाजमात लाजमी इसके साथ हो तभी इसका मज़ा भी आता है। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन किस्म की मटन रान रोस्ट तैयार है, और आप ये देखें कितना अच्छे से इसका मटन जो है पूरा गल चुका है, ये देखें कितना इजीली टूट रहा है, इतना जूसी बना है मज़ेदार किस्म का। ये देखिए आप, इसका गर्म बहुत है लेकिन मैं फिर भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने इजीली और कितनी अच्छा सॉफ्ट से ही बना है। तो आप भी लाजमी बनाएं, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।